राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने बुधवार को पार्टी प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को 25 जून को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामित करने का फैसला किया है। अजित पवार द्वारा मुंबई में अपने आधिकारिक आवास पर पार्टी मंत्रियों के साथ बुलाई गई बैठक में सुनेत्रा पवार के नाम को अंतिम रूप दिया गया। सुनेत्रा पवार हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बारामती से अपनी ननंद और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से हार गई थी। सुनेत्रा पवार गुरुवार यानी आज नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन अपना नामांकन दाखिल करेंगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने बुधवार को पार्टी प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को 25 जून को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामित करने का फैसला किया है। अजित पवार द्वारा मुंबई में अपने आधिकारिक आवास पर पार्टी मंत्रियों के साथ बुलाई गई बैठक में सुनेत्रा पवार के नाम को अंतिम रूप दिया गया। सुनेत्रा पवार हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बारामती से अपनी ननंद और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से हार गई थी। सुनेत्रा पवार गुरुवार यानी आज नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन अपना नामांकन दाखिल करेंगी।